कैथल जिले की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका सोनी ने जिले के मतदाताओं से बिना किसी भय के अपने विवेक के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। शनिवार को डॉक्टर प्रियंका सोनी कैथल जिले में फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से बात कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर प्रियंका सोनी ने लोगों को अफवाहों से सचेत रहने और शरारती तत्वों की सूचना पुलिस को देने की अपील भी की। डीसी प्रियंका सोनी ने कुछ मतदान केंद्रों पर इंतजामों का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर प्रियंका सोनी ने कहा कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए निगरान कमेटियों का गठन किया गया है। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों की मतगणना कैथल में ही होगी। कैथल सीट की मतगणना आरकेएसडी कॉलेज और गुहला विधानसभा सीट की मतगणना डीएवी कॉलेज में होगी। कलायत और पुंडरी विधानसभा सीटों की मतगणना के बंदोबस्त आईजी कॉलेज में किए गए हैं। मतगणना केंद्रों के 300 मीटर के घेरे में 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और 500 मीटर के घेरे में हथियार लेकर चलने पर धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई गई है। एसपी वरिंदर विज ने बताया कि कैथल जिले में हरियाणा पुलिस के 1400 जवान, 200 महिला पुलिसकर्मी और 1000 होमगार्ड चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 7 कंपनियां भी कैथल जिले में तैनात की गई हैं। इसके अलावा 50 पेट्रोलिंग पार्टियां भी सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए गठित की गई हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल जिले की चारों विधानसभा सीटों के संबंध में अपनी भविष्यवाणी भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।